Priyanshi and welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स हमारा स्टडी टेबल इधर कुछ इस तरीके से मूव हुआ, हम आउटडोर से खरीदे थे। सो फ्रेंड्स अभी जो है हमने हमारे टेबल को यहाँ मूव कर लिए हैं और मेरे टेबल का जो जगह है वो यहाँ है। और आप लोग सोचोगे इधर जो टेबल था वो कहाँ गया, तो वो मैंने टेबल मम्मी को दिया दिया है। तो ये 4500 था, हमने इसको ऑफलाइन परचेज किया, ऑनलाइन नहीं किया इसलिए लिंक नहीं दे सकती। और हाँ तो चलो अभी मैं को इसका टूर कर देती हूँ, दे देती हूँ, दिखा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग करेंगे इसका, ठीक है। अगर आप भी ऐसा कुछ अगर टेबल खरीद रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी इसका कैसे क्लीन करना है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारे पास इधर एक ड्रॉअर है जो थोड़ा सा डस्टी है, इसके अंदर हम हमारा स्टेशनरीज रखे हैं, हम उसको क्लियर ऑफ बाद में कर लेंगे। और इधर नीचे है हमारा बुक्स रखने का जगह, मतलब ये डेस्कटॉप टेबल है बट वी विल मैनेज स्टडी टेबल हियर। तो इधर मैं मेरे बुक्स एंड कॉपीज रख रही हूँ। इधर है एक शेल्फ एंड पैर रखने के लिए जगह। एक्चुअली फ्रेंड्स ये डेस्कटॉप टेबल है, यहाँ CPU रखते हैं, हमारे स्कूल में एक्चुअली ऐसा टेबल है। एंड यहाँ भी मैं मेरे बुक्स एंड कॉपीज वो सब ऐसे थाक थाक करके रख सकती हूँ, वो हम बाद में सोचेंगे क्या क्या रखना है क्या नहीं, क्योंकि इधर भी हमारे पास बहुत सारे बुक्स एंड कॉपीज है इसीलिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्लीन करना। आप वैसे तो हमें स्टोर से जो दिए थे वो क्लीन करके ही दिए थे, बट थोड़ा थोड़ा सा ना डस्ट ऑफ है और बाहर कोरोना, इसीलिए हमें खुद भी क्लीन करना चाहिए। तो चलो क्लीन करते हैं। सो चलो फ्रेंड्स अभी इसको क्लीन करते हैं। आप कोई सा भी क्लीनिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, और हाँ आपको इसको अच्छे से पॉलिश करना है ताकि इसका जो थोड़ा सा ना शाइनी दिखेगा, तो ये अच्छे से जो है पॉलिश हो जाएगा। एंड इसका जो टेबल क्लॉथ है वो अभी हम लोग ने अभी तक लाया नहीं है, तो इसका जो मैं है ना अभी अभी के लिए इसको मैं कुछ इस तरीके से ही यूज़ करूँगी, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एंड ये सूख जाएगा, ये शाइनी हो जाने का अच्छे से सूख जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ साइड्स में क्लीन करेंगे एंड यहाँ ड्रॉअर में क्लीन करेंगे। तो चलो क्लीन करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारे टेबल को क्लीन करेंगे। मैं कॉलिन और एक कपड़ा यूज़ कर रही हूँ टू डस्ट इट ऑफ, एंड आप देख सकते हो कि कलर्स में कितनी चेंजेस आ गई हैं। साइड्स को भी मैं थोड़ा सा स्प्रे मार रही हूँ सो इट कैन बी गेट क्लीन। मेरे बेड को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि मेरा बेड बहुत अनटाइडी है, क्योंकि मेरे पुराने टेबल के चीज़ें जो है ना मैंने बेड पे रख दिए थे, और मेरा रूम भी थोड़ा सा मेसी हो रहा है, तो रूम को भी हम लोग ठीक करेंगे एक दिन। सो या अभी मैं मेरे टेबल को ड्रॉअर के सामने को ड्रॉअर के अंदर को कर रही हूँ। वैसे ऑब्वियसली इतना जल्दी मैं नहीं कर सकती, नॉर्मल स्पीड तो कुछ थोड़ा इससे स्लो है। तो अभी मैं नीचे गायब हो गई थी, आप सोच रहे होगे ये प्रियांशी कहाँ चली गई, तो मैं उधर नीचे गायब हो गई थी। सो इसको अच्छे अच्छे से हम पॉलिश करेंगे, और इसका थोड़ा साउंड सुनना है तो सुन लो। देखा कुछ इस तरीके से आ रहा था इसका साउंड। एंड या तो मैं क्वाइट इन्जॉय कर रही थी इसको क्लीन करते वक्त। और ये स्टडी टेबल में आपको पानी यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे वो रिमूव हो जाए, नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ नहीं करना है, और कोई सा भी थिनर और कुछ यूज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स उसके बाद अभी मैं मेरा बुक्स को सेटअप कर रही थी जो मेरे को ड्रीम लैंड से मिले थे, उसका भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वाला को मैं यूज़ कर रही थी, इनको मैं सोची वो साइड में रख दूँ, बट उसके बाद मेरा प्लान चेंज हो गया। सुनो प्लान कैसा था। सो उनको ना मैंने शेल्फ पे रख दिया क्योंकि उधर मैं कुछ और रखने की सोच रही थी। एंड या उसके बाद सो फ्रेंड्स अभी इधर हम लोग हमारे अंदर शेल्फ में रखेंगे हमारे रफ कॉपीज सारे। एंड या मैं मेरे प्रैक्टिस बुक्स, मेरे रफ कॉपीज सब कुछ रख रही हूँ उधर, और उसके बाद साइन में थोड़ी सी पतली सी जगह होगी तो उधर मैं क्या रखूँगी उधर का आपको प्लान बता देती हूँ। उधर ना साइड करके मैं मेरा बुक्स रखूँगी, स्टैक कर दूँगी उनको ऐसे साइड करके, यस जैसे कि आपने देखा उनको साइड स्टैक कर दूँगी मैं। देन उसके बाद मेरा बुक्स जो है दे will be perfectly in their spaces. So friends अभी टॉप का हम लोग सेटिंग करेंगे, देखो कैसा क्रैंकी सा साउंड आ रहा था। एंड या उसके बाद अभी हम लोग इस हर सब क्लीन करना स्टार्ट कर देंगे, डस्ट सारा मैं निकाल दे रही हूँ उनके अंदर से, उनको मैं बाद में थोड़ा सा क्लीन भी करूँगी, धोऊँगी भी। एंड अभी मैं मेरे सारे पेंस को पेंसिल्स को अलग अलग करके रख रही हूँ, तो मैं
छान रही हूँ इधर से टेक्निकली पेंस, एंड या मैं पेंस को थोड़ा सा बाद में टेस्ट भी करती, जिन जिन के कैप्स नहीं उनके कैप्स मैं बाद में ढूंढूंगी और रखूँगी, और ऐसे ही मैं धीरे धीरे मेरे को पेंस के कैप्स मिल जाते हैं है ना, तो या मैं ये वाला ही ट्रिक यूज़ करती हूँ। तो ये वाले पेन को जो है मैं अभी यू नो व्हाट, मैं उसको उसके स्टैंड जगह पे रख दूँगी ऑब्वियसली, एंड उसको हम लोग थोड़ा सा मार्कर्स स्केच पेंस के साथ, आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, ये बहुत पहले से वीडियो बना चुकी थी मैं इसमें, तो इसीलिए आई हैव फॉरगॉटन कि मैं इस पर क्या क्या कर रही थी इधर टेक्निकली। तो इधर मैं अभी पेंसिल्स को छान के रख रही हूँ, हाइलाइटर्स स्केल्स उन सबको हम लोग छान के रखेंगे, और मैं उधर एक कपड़ा डाल दी, यू नो व्हाट, मेरा न्यू टेबल एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू बी यू नो लाइक डस्टी, अभी अभी मैंने उसको क्लीन किया कॉल इन दे के, सो दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट इट टू बी डस्टी, सो इसलिए मैं इसको डस्टी नहीं कर रही हूँ, इसको साफ करके हम रखेंगे, एंड या इसको साफ सुथरा हम लोग अभी करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम लोग हमारे ड्रॉअर के अंदर रखेंगे सारी चीज़ें, उसके बाद हम लोग इधर साइड में रखेंगे हमारे बैकपैक्स, मैं बोल रही थी इधर साइड में मैं कुछ रखूँगी, एंड इधर मैं मेरे बैकपैक्स एंड बाकी सारे चीज़ें रखूँगी, एंड इट्स टाइम टू शो यू द फाइनल लुक ऑफ माय टेबल। तो टेबल थोड़ा सा बड़ा है, इधर हम लैपटॉप भी मैं रखूँगी जब क्लास करती हूँ मैं, तो या ऐसे रखेंगे हम लोग, नीचे का भी हम लोग ऐसे रखें, मैंने मोटा डिक्शनरी एक रख दिया है, और उसके अंदर जो हमारा कीबोर्ड वाला जगह है ना उधर मैं क्या रखूँगी, उधर मतलब मैं काइंड ऑफ एग्ज़ाम बोर्ड्स रखी हूँ, इधर मैंने मेरा ड्रॉअर के जो चीज़ें हैं वो सब रखा है, उसके बाद मैंने ड्रॉअर में ऐसी चीज़ें बस ऑर्गेनाइज करके रखा है, उसके बाद इधर नीचे हमारा है यू नो हमारा रफ कॉपीज, एंड या मैं भूल गई थी उसका नाम, तो यहाँ स्पार्कल स्माइल स्पार्कल शाइन लिखा है हमारे रफ कॉपी में, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, स्लैम द डोर। उसके बाद इधर है हमारा बाकी चीज़ें, बैग और हमारे बुक्स। सो फ्रेंड्स अभी मेरा टेबल का जो है मैं सब सेटअप कर दी हूँ, मेरे पास इतने चीज़ें तो नहीं थी जो मैं इतने बड़े टेबल में रखूँ, तो मैंने इतने ही चीज़ें रखे। ओ नो, आपको पता है मैं बहुत लेट चल रही हूँ, अभी नवंबर हो गया और मैं अक्टूबर का अभी भी ये खोला है, नवंबर टाइम दिवाली टाइम। हाँ तो मैंने इतने ही चीज़ें यहाँ रखी हूँ, तो अभी मैं मेरा पढ़ाई करूँगी यहाँ, फर्स्ट वाला यहाँ पढ़ाई, और यहाँ मैंने रफ कॉपीज इसीलिए रखे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमारी मैम हमें नोट्स लिखने को बोलती है, और मैम बहुत ही जल्दी जल्दी बोलती हैं, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ता है और वहाँ से जाने के लिए भी टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ रख दी हूँ, और अभी मैं मेरा मैथ्स करूँगी। सो फ्रेंड मैं जो लोग कन्फ्यूज़ हो मैं बोल देती हूँ कि ये वीडियो नवंबर में शूट हुआ था, दैट्स एग्जैक्टली वाई कि आपको आप कन्फ्यूज हो, तो हाँ थोड़ा लेट वीडियो शूट हुआ था, नवंबर टाइम दिवाली टाइम। हाँ तो मैंने इतने ही चीज़ें यहाँ रखी हूँ, तो अभी मैं मेरा पढ़ाई करूँगी यहाँ, फर्स्ट वाला यहाँ पढ़ाई, और यहाँ मैंने रफ कॉपीज इसीलिए रखे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमारी मैम हमें नोट्स लिखने को बोलती है, और मैम बहुत ही जल्दी जल्दी बोलती हैं, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ता है और वहाँ से जाने के लिए भी टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ रख दी हूँ, और अभी मैं मेरा मैथ्स करूँगी यहाँ न्यू टेबल में, फर्स्ट टाइम मैथ्स कर रही हूँ मैं, और मेरे को मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अलग टेबल में मतलब बैठने का आदत है ना, इतनी बड़ी टेबल और मैं क्वाइट फनी। तो अगर आपको इसमें इस टेबल में स्टडी विथ मी चाहिए तो मेरे को ज़रूर बोलना है, ज़रूर बनाऊंगी एथिस्टिक वाला स्टडी विथ मी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मैं अभी पढ़ाई करती हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
वेट 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 जा कर ये वाले वीडियोस देखे क्या नहीं देखे, तो जल्दी से क्लिक करो।